हेलो दोस्तों, विनीता जैन की किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बनाया है पान फ्लेवर की चॉकलेट। ये चॉकलेट खाने में बहुत ही टेस्टी है और घर में बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, ये हमने व्हाइट चॉकलेट ली है। ये चॉकलेट हमारी 150 ग्राम है और इनको हमने कट करके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून गुलकंद लिया है और एक पान लिया है हमने। ये मीठा पान है, बना हुआ है और इसके अंदर मसाले की फिलिंग है पान के। और ये हमने ये सुपारी ली है, मुखवास, आप कोई भी सौंफ ले सकते हैं पान फ्लेवर की। ये 1 टेबल स्पून ली है। तो दोस्तों, अब हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के लिए ये देखिए हमने पानी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने इसके ऊपर एक बाउल रखा है कांच का, आप कांच का या स्टील का कोई भी रख सकते हैं। हमारा नीचे का बर्तन छोटा होना चाहिए और ऊपर का बड़ा। हमारा एक भी बूंद पानी हमारे चॉकलेट में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज हमारी चॉकलेट खराब हो जाएगी। दोस्तों देखिए, हमारी चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। हमारी चॉकलेट को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और इसे ओवर कुक नहीं करना है। अगर ये ओवर कुक हो गई तो हमारी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहना है जिससे हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। देखिए, प्रॉपर चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। ये देखिए, अब हम चॉकलेट को 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद हम अपना पान का मसाला बनाएंगे चॉकलेट की सेंटर फिलिंग के लिए। अब मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक प्लेट में अपना गुलकंद डाला है। ये हमने 1 टेबल स्पून लिया था और ये हम अपना मुखवास डालेंगे जो हमने सुपारी लिए पास पास की। थोड़ा सा हम बचाएंगे अपने लिए। ये हम व्हाइट चॉकलेट में मिक्स करेंगे और ये हम पान लेंगे और इसके अंदर का जो भी मसाला है वो इसमें मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये मसाला मार्केट में बना हुआ भी आता है, इसकी छोटी छोटी गोलियां आती है, पूरा पान फ्लेवर का बना हुआ आता है। आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास वो है तो। अब ये पान के छोटे छोटे स्लाइसेस करेंगे और हम अपने मसाले में मिक्स करेंगे। ये पान मसाला किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। अब हम इस अपने पान मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। पान फ्लेवर की चॉकलेट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत अच्छे से खाई जाती है और ये मोस्टली सभी को बहुत पसंद होती है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जो हमने सौंफ बचाई थी अब हम इसे अपनी व्हाइट चॉकलेट में मिक्स कर लेंगे। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप अगर इसे मिक्स ना करना चाहें तो इसे आप ऊपर से भी चॉकलेट में डाल सकते हैं जो हम मोल्ड में डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एक मोल्ड लिया है और इसमें हमने धीरे धीरे 1/2 टेबल स्पून चॉकलेट डालेंगे और इनको साइड से चॉकलेट लगाएंगे साइड्स पर जिससे हमारी सेंटर फिलिंग बहुत अच्छे से हो जाए। हमारी सेंटर फिलिंग अच्छे से नहीं होगी तो हमारा मसाला अलग हो जाएगा और चॉकलेट अलग हो जाएगी, इसलिए हमें अपने प्रॉपर मोल्ड्स में चॉकलेट को डालना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हमने चॉकलेट को मोल्ड्स में डाल लिया है और हमने अपने मोल्ड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है टिश्यू पेपर से। आप इसे आराम से टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं। आप इसे हम 2 मिनट के लिए सेट करेंगे फ्रिज में। ये देखिए, हमारी 2 मिनट बाद चॉकलेट हमारी सेट हो गई है। अब हम इस मसाले को सेंटर फिलिंग में डालेंगे। अब हम अपने चॉकलेट में मसाला डालेंगे। हम देखिए, 1/2 टेबल स्पून से भी हमने मसाला कम लिया है। अगर आपका मोड्स बड़ा है तो आप मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर छोटा है तो आप इससे भी कम डाल सकते हैं। इसलिए आप जब भी मसाला फिलिंग करें अपनी चॉकलेट में तो अपने मोड्स के अकॉर्डिंग ही आप उसमें मसाला फिल कर सकते हैं। ये देखिए, प्रॉपर इसी तरीके से अपना मसाला मोड्स में भरना है और सभी मोड्स में हमें अपना मसाला इसी तरीके से भर लेंगे, सेंटर फिलिंग करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मसाला हमारे मोल्ड में जा चुका है। ये देखिए, सभी मोल्ड्स में हमने अपना मसाला भर के रेडी कर लिया है। अब ऊपर से वाइट चॉकलेट डालेंगे जिससे हमारा मसाला कवर हो जाए और हमारी चॉकलेट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से इसी तरीके से हम अपने पूरे मोल्ड में चॉकलेट डालेंगे। ये देखिए, हमारा पूरा मोल्ड चॉकलेट से कवर हो चुका है और हमारी चॉकलेट बन चुकी है। अब हम इसे अच्छे से टैप करेंगे जिससे अगर अंदर से स्पेस अगर हमारा कहीं से भी खाली रह गया हो तो वो भी कवर हो जाए। ये देखिए, हमारा 10 मिनट बाद चॉकलेट बनके तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा चॉकलेट हमारा तैयार हुआ है।
दोस्तों हमें इसे फ्रीजर में बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है, अगर ज्यादा देर रखेंगे तो पानी के बबल्स आ जाएंगे। ये देखिए हमारी चॉकलेट एकदम प्रॉपर तरीके से निकल गई है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। ये देखिए हमारी 150 ग्राम चॉकलेट में हमारी 10 से 12 चॉकलेट बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए एकदम प्रॉपर चॉकलेट बनके तैयार हो गई है और इसी तरीके से हमें सभी चॉकलेट्स बना के तैयार कर लेनी है। दोस्तों हमें कोई भी सेंटर फिलिंग वाली चॉकलेट इसी तरीके से बनानी है। दोस्तों मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आते रहेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करें और साथ में दिए गए बैल आइकॉन को पुश करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।